जी दोस्तों, अभी फिर से बड़ी अपडेट आ रही है लूना क्लासिक को लेकर। तो कल के दिन भी मैंने आपके साथ कई सारी अपडेट शेयर करी थी, जिसकी वजह से वैसे लूना क्लासिक बहुत ज्यादा बुलिश था, जो मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में डाल चुका हूँ, वो आप जाकर चेक जरूर करना। लेकिन आज के दिन उससे भी बड़ी अपडेट आ रही है, जो डू ओन है, जो इसके फाउंडर है, यानी कि लूना के जो फाउंडर हैं, उनके बारे में अपडेट आ रही है। क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन अभी इनको क्या है कि अभी एक्सट्रेडिशन करने वाले थे, एक्सट्रेडिशन यानी कि इनको यूएसए में भेजने वाले थे या फिर साउथ कोरिया में भेजने वाले थे, लेकिन केस रॉन्ग ना होने की वजह से ये सब कुछ रुक गया है। तो मैं आपके साथ ये सब कुछ और भी ज्यादा डीप डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास भी लूना क्लासिक है या फिर यूएसटीसी है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल स्ट्रीट ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और इसी के साथ साथ अभी बिटमार्ट का एक गिव अवे चल रहा है, तो वो भी जाकर वहां पे चेक करें। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी में आ जाए, यानी कि जो वॉरफेयर डिस्कस के नाम से ग्रुप है, वहां पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का खुद पर्सनली जवाब देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ पॉजिटिव अपडेट्स कल के दिन बताई थी, वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। तो पैनकेक स्वैप के साथ LUNC का कोलैबोरेशन चल रहा है। कोलैबोरेशन में यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक तो LUNC को व्हाइट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे एड्रेस डाले बिना डायरेक्टली LUNC अवेलेबल होगा। दूसरी बड़ी चीज, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये कि पैनकेक स्वैप के ऊपर यहाँ पे $1,00,000 का सीड इंजेक्शन करने वाले हैं, जिसमें लिक्विड पूल होने वाले, जो पूल में यहाँ पे LUNC या BNB चेन रहने वाला है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट थी LUNC को लेकर। और इसी के साथ साथ क्या है कि LUNC के बर्न तो चल ही रहे हैं, काफी सारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी बर्न कर रही हैं, वैलिडेटर्स भी बर्न्स का प्लान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रपोजल चल रहे हैं। प्रपोजल्स अगर अप्रूव होते तो यहाँ पे बर्न होगा USTC का, खासकर USTC की। जैसे जैसे यहाँ पे सप्लाई कम होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू $1 की तरफ अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज का जो अपडेट आया वो बहुत ही बड़ा अपडेट है, बहुत ही बड़ा डिसीजन आया। तो डू ओन को एक्सट्राडिएट करने वाले थे, यानी कि मॉन्टेनेग्रो जो कि यूरोप में है, वहां से इनको भेजने वाले थे US के लिए और इवन साउथ कोरिया के लिए। इसका मतलब ये कि इन्होंने जो फ्रॉड किया था या फिर जो भी इन्होंने क्राइम किया, उसके बेसिस पर दूसरी कंट्रीज में इनको भेजा जाने वाला था। लेकिन इनके एक्सट्रेडिशन के अगेंस्ट की जो अपील थी वो सुन ली गई है जज के द्वारा, और इसको मिड फेब तक अभी होल्ड कर दिया गया है। यही कारण है कि सडनली आपको एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला होगा LUNC में। और यहाँ पे मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको यहाँ पे पीछे चल क्या रहे वो भी एक पूरा सिनेरियो समझ आ जाए। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा बताया गया कि क्लियर रीजंस ना होने की वजह से, लैक ऑफ क्लियर रीजंस एंड फैक्ट्स की वजह से, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल यही रहा है कि इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जनरली डेपोर्टेशन इसको बोला जाता है या एक्सट्रेडिशन बोला जाता है, जैसे कि किसी को भी डिपोर्ट किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वैसे इनको डिपोर्ट अभी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो जज हैं वो प्रॉपरली रीजंस नहीं दे पाए या फिर एविडेंस नहीं दे पाए एज पर US रिक्वेस्ट, जिसकी वजह से इनका दोबारा से ट्रायल होने वाला है। और एक और बड़ी चीज़ है, शायद आपको नहीं पता होगा कि ये 4 महीनों से पहले ही जेल में थे, और वो था डॉक्यूमेंट फ्रॉजरी के लिए, क्योंकि इन्होंने फेक पासपोर्ट के साथ यहाँ पे ट्रैवल करने की कोशिश करी, तो इनको वहाँ पे जेल होगी। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा था, क्योंकि इन्होंने $multi-billion, जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस इनकी वजह से हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स को। तो जैसे जैसे न्यूज़ सामने आती गई तो टेरा इकोसिस्टम पूरा के पूरा क्लैप्स होता गया। यही कारण है कि आज LUNC की वैल्यू में कितनी ज़्यादा जीरोस हैं, इवन USTC में कितनी ज़्यादा जीरोस हैं, वो भी आप देख पा रहे होंगे, जो कि एक समय पर $1 के बिल्कुल बराबर था। तो इससे पहले भी इनको अरेस्ट किया गया था मॉन्टेनेग्रो में, और इनकी जो बेल हुई $4,36,000 की इनकी बेल हुई थी मई महीने के अंदर। फिर उसके बाद 4 महीनों की फिर से इनको जेल होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्होंने डॉक्यूमेंट फ्रॉजरी करी, यानी कि फेक पासपोर्ट यूज़ किया। अब लगभग $40 बिलियन का घाटा पड़ा है लोगों को, जो बड़े इन्वेस्टर थे, इनकी वजह से, जिनमें हम भी आते हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ था, जो कि छोटा मोटा हमारा अमाउंट होगा, जैसे कि सारे सारे हमारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स थे या फिर ट्रेडर्स थे, उनका भी लॉस हुआ है। तो ये लॉस धीरे धीरे कवर ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी जो अपडेट्स आती हैं, चाहे वो डू ओन को लेकर हो, चाहे वो FTX का जो सैम बैंकमैन है, उनकी जब भी अपडेट आती है उसकी वजह से FTT कॉइन में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। सिमिलरली डू ओन से भी जब अपडेट आएगी तो यहाँ पे LUNC अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसकी सच्चाई मैंने आपको कल के दिन ही बता दी थी कि LUNC को इस वक्त आप एक मीम कॉइन के बराबर समझो, जिसकी एक वेबसाइट भी नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है इस वक्त, पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ वैलिडेटर्स हैं या फिर कम्युनिटी है, जो कि हम हैं, या फिर जो एक्सचेंजेस हैं जो ट्राई कर रही है कि बर्न करके किस न किस तरीके से सप्लाई कम करेंगे, तो जो पूरी जनता है होल्ड कर रही है, तो उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि कॉइन की वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन इसी को लेकर जो भी अपडेट होती है मैं हमेशा शेयर करता रहता हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें लूना क्लासिक को लेकर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। लेकिन किसी और कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फो चाहिए हो,
प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।